दोस्तों स्वागत है आपका। और पिछली वीडियो में हमने क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश प्रोज का सिक्स चैप्टर वुमेन्स एजुकेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट में पढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें ताकि आगे आने वाले जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं या और जो भी कोर्स के इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो पिछले चैप्टर में पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि ये जो वुमेन्स एजुकेशन के राइटर एस राधाकृष्णन जिनका जीवन काल 1888 से 1975 तक रहा, उन्होंने इस चैप्टर को जो लिखा अर्थात ये जो चैप्टर लिया गया उनकी एक पुस्तक जो कि प्रकाशित हुई थी 1970 में और जिसका नाम था ट्रू नॉलेज। तो ट्रू नॉलेज से लिया गया ये चैप्टर है। राधाकृष्णन के अनुसार जो कि हमारे देश के द्वितीय सेकंड प्रेसिडेंट भी थे और उनका कार्यकाल प्रेसिडेंट के रूप में 1962 से 1967 तक रहा, तो उनके अनुसार महिलाओं को शिक्षित बना करके हम उच्च विचार वाला और आदर्श बना सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट का अध्ययन करते हैं। और पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में जहां जो हमने पढ़ा था जहां तक हमने अध्ययन किया था वो यहां गो माई डियर तक अध्ययन किया था। तो इस पिछले पैरे में हम इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। इंदी रामायणा रामायण में वैन लक्ष्मण सेट्स आउट, जब लक्ष्मण जाते हैं फॉर दी फॉरेस्ट जंगल के लिए जाते हैं, तो हिज मदर उनकी माँ टेल्स हिम उनसे कहती हैं लुक देखना अपॉन राम, राम की ओर देखना, भगवान राम की ओर देखना, एज योर फादर दशरथ, भगवान राम को अपने पिता दशरथ के समान देखना, लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, और सीता को अपनी माँ के रूप में देखना मेरी तरह से जैसे कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो मेरे रूप में सीता को देखना, लुक अपॉन दी फॉरेस्ट और जंगल को देखना एज अयोध्या और जंगल को अयोध्या समझना, गो माई डियर जाओ मेरे प्यारे। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, अब हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे यहाँ से। देयर आर एवर सो मैनी अर्थात हमेशा से बहुत से थ्रिलिंग माने रोमांचकारी स्टोरीज माने कहानी रही हैं, हमेशा से बहुत सी रोमांचकारी कहानियां रही हैं इन आवर क्लासिक्स अर्थात हमारे महाकाव्यों में, हमारे महाकाव्यों में हमेशा से रोमांचकारी कहानियां रही हैं विच विल इंस्टाइल जो कि समावेश करती हैं इन टू अस हमारे अंदर, जो कि हमारे अंदर संचार करती हैं या समावेश करती हैं ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ महान नैतिक शक्ति का हमारे अंदर संचार करती हैं। हमेशा से हमारे महाकाव्यों में रोमांचकारी कहानियां रही हैं जो हमारे अंदर महान नैतिक शक्ति का समावेश करती हैं अर्थात हमारे अंदर संचार करती हैं। विच विल ले डाउन और वो प्रस्तुत करती हैं फॉर अस हमारे लिए प्रस्तुत करती हैं द लाइन्स, लाइन्स का मतलब मार्गदर्शन की रेखाएं, और वो हमारे लिए मार्गदर्शन की रेखाओं को प्रस्तुत करती हैं ऑन विच जिस पर कि वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ जिस पर हमें कंडक्ट हमें आज अपने आचरण को ढालना है कि हमें किस प्रकार से क्या करना है क्या उचित है उसको करना है अर्थात हमें अपने आचरण को ढालना है उसकी उसको जो है मार्गदर्शन की रेखाओं के रूप में हमारे सामने वो प्रस्तुत करती हैं। गिव अस गुड वुमेन, गिव माने दो, अस माने हमें, गुड वुमेन हमें अच्छी नारियां दो अच्छी स्त्रियां दो, वी विल हैव हम रखेंगे ए ग्रेट सिविलाइजेशन एक महान सभ्यता अर्थात हमें अच्छी नारियां दो हमें अच्छी स्त्रियां दो हमारा जो हमारी जो सभ्यता है वो महान बनेगी। गिव अस गुड मदर्स हमें अच्छी माताएं दो तो हमारा नेशन राष्ट्र महान बनेगा हमारा राष्ट्र महान बनेगा। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन जब आप टॉक माने बात करते हो अबाउट एजुकेशन माने शिक्षा के बारे में जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हो
तो यू हैव सेवरल एम्स, तो आपके बहुत से एम्स माने उद्देश्य होते हैं, इन व्यू आपके विचारों में, तो आपके समक्ष आपके सामने बहुत से आपके उद्देश्य होते हैं। जब आप शिक्षा की बातें करते हो तो आपके सामने बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। गिव द पीपल, लोगों को दीजिए। दोज माने उनको, हु आर टॉट जिनको भी सिखाते हैं या जिनको पढ़ाते हैं। नॉलेज माने ज्ञान, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार का, यानी कि लोगों को उस संसार का ज्ञान दीजिए। इन विच दे लिव, जिसमें कि वे रहते हैं, तो जिनको उन लोगों को दीजिए जिनको भी आप पढ़ाते हैं, उनको उस संसार का ज्ञान दीजिए जिसमें कि वो रहते हैं। साइंस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, विज्ञान इतिहास और भूगोल इनेबल योग्य बनाता है यू आपको, तो विज्ञान इतिहास और भूगोल आपको योग्य बनाता है। टू गेट माने पाने के लिए, दैट नॉलेज उस ज्ञान को पाने के लिए आपको विज्ञान इतिहास और भूगोल योग्य बनाता है, यानी कि यह सब कुछ आपको जो सिखाते हैं वो विज्ञान इतिहास और भूगोल ही भूगोल सिखाते हैं। यू आल्सो ट्रेन, आप प्रशिक्षित करते हो या सिखाते हो। द पीपल माने लोगों को, टू एक्वायर माने प्राप्त करना, सम टेक्निकल स्किल, सम माने कुछ और टेक्निकल माने तकनीकी और स्किल माने क्षमता, तो आप प्रशिक्षित करते हैं लोगों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी क्षमता, आप लोगों को तकनीकी क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। बाय विच, जिसके द्वारा दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिसके द्वारा वे कमा सकें लिवलीहुड, यानी कि जिसके द्वारा वे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने जीविका कमा सकते हैं। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड, इनको अब भी स्वीकार किया जाता है, द वर्ल्ड संसार में इनको अब भी स्वीकार किया जाता है। ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के लक्ष्यों के रूप में, तो इनको अब भी शिक्षा के लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान, इन विच जिसमें कि आप रहते हैं, जिस संसार में आप रहते हैं उसके बारे में ज्ञान, एंड टेक्निकल स्किल और तकनीकी कुशलता, बाई विच जिसके द्वारा यू कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिसके द्वारा आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अर्थात अपनी जीविका कमा सकते हैं, अर्थात जिस संसार में आप रहते हैं उसका ज्ञान और तकनीकी कुशलता, जिसके द्वारा आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अर्थात अपनी जीविका कमा सकते हैं। बट व्हाट इज देयर, लेकिन क्या है, स्पेसिफिक क्या विशेषता है, अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, उस शिक्षा में क्या विशेषता है जो कि इम्पार्टेड प्रदान की जाती है इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की संस्थाओं में, वो शिक्षा जो हमारे देश की संस्थाओं में प्रदान की जाती है उसमें क्या विशेषता है। वी हैव हियर्ड, हमने सुना है कि द चीफ पर्पस, मुख्य उद्देश्य ऑफ एजुकेशन माने शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, इज नॉट मेरिली, ना केवल द एक्वायरिंग माने प्राप्त करना है, ऑफ स्किल माने दक्षता और इन्फॉर्मेशन या सूचनाएं, केवल दक्षता या सूचनाएं ही प्राप्त करना नहीं है। हमने सुना है कि मुख्य उद्देश्य हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ना केवल कुशलता और दक्षता और सूचनाएं प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि जानकारियां प्राप्त करना भी होता है, इनटू ए हायर लाइफ, यानी कि उच्च जीवन की जो जानकारियां हैं अर्थात दीक्षाएं हैं उनको भी प्राप्त करना होता है। इनिटिएशन इनटू ए वर्ल्ड, वो जानकारियां संसार के बारे में, वो जानकारियां विच ट्रांसेंड्स, जो कि बढ़कर के होती हैं, द वर्ल्ड माने संसार में, ऑफ स्पेस एंड टाइम, अर्थात स्थान और समय की जो परिधि है उससे भी बढ़कर के होती हैं, जो संसार के बारे में जो भी जानकारियां हैं वो स्थान और समय की परिधि से भी बढ़कर के होती हैं, उनसे भी ऊपर होती हैं। दो, यद्यपि द लेटर, यद्यपि बाद वाला, इन्फॉर्म्स माने प्रकाशित करता है, एंड एनिमेट्स और जीवन प्रदान करता है, द फॉर्मर पहले वाले को, जबकि बाद वाला पहले वाले को प्रकाशित करता है और जीवन प्रदान करता है। दैट हैज बीन, वह रहा है, द मेन पर्पस, यही मुख्य उद्देश्य रहा है ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का यही मुख्य उद्देश्य रहा है। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों तक, वी नेग्लेक्टेड, हम अनदेखी करते रहे, आवर वुमेन फॉक, अर्थात महिलाओं की, हम अपनी महिलाओं की शताब्दियों तक अनदेखी करते रहे, अर्थात उनकी उपेक्षा करते रहे। आवर ट्रेडिशन, हमारी परंपराएं,
हाउएवर, जबकि हैज बीन माने रही हैं, समवाट माने कुछ कुछ, डिफरेंट माने भिन्न, जबकि हमारी जो परंपराएं हैं वो इससे भिन्न रही हैं। पुराकल्पेशु नारी नाम, मंदिर वंदना निश्चिता, अध्यापनाश्च वेदानाम गायत्री वाचनम तथा, अर्थात इन एंशियंट टाइम्स, इसका अर्थ है कि प्राचीन समय में आवर वुमेन, हमारी स्त्रियां हेड द सेरेमनी, वो रखती थी सेरेमनी, एक प्रकार का संस्कार ऑफ उपनयन, यानी कि उपनयन संस्कार रखती थी। हमारे जो स्त्रियां हैं प्राचीन समय में, हमारी स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, परफॉर्म्ड फॉर देम, उनके लिए उपनयन संस्कार होता था। अर्थात इसका अर्थ यह है कि उन्हें दीक्षा दी जाती थी, और जो वेद है उस समय, जो वैदिक काल कहा जाता था वो समय, तो वैदिक काल में जो बालिकाएं होती थी उनको दीक्षा दी जाती थी, और उन्हें जो वेद वगैरह पढ़ने का, वेद पढ़ने के भी उन्हें योग्य बनाया जाता था, और वेद्याध्ययन की जो है वो दीक्षा भी लेते थे, जनेऊ धारण किया जाता था। तो इसलिए यह है कि इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में हमारी जो महिलाएं थीं उनके लिए उपनयन संस्कार किया जाता था। दे वर एंटाइटल्ड टू ए स्टडी ऑफ वेदास, तो वो जो है वो योग्य समझा जाता था उन्हें, टू ए स्टडी ऑफ वेदास, यानी कि वेद के अध्ययन के योग्य समझा जाता था, उन्हें वेद के अध्ययन के योग्य भी बनाया जाता था। दे वर आल्सो एंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जप, अर्थात देवर आल्सो एंटाइटल्ड, उन्हें अधिकार प्राप्त था टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जप, जो गायत्री मंत्र था उसको जपने का उन्हें अधिकार प्राप्त था। तो देवर एंटाइटल्ड, उन्हें अधिकार प्राप्त था टू ए स्टडी ऑफ वेदास, वेद के अध्ययन का उन्हें अधिकार प्राप्त था, और उन्हें अधिकार प्राप्त था गायत्री जो मंत्र है उसको जपने का भी उनको अधिकार प्राप्त था। ऑल दीज थिंग्स, ये सभी बातें वर ओपन माने खुली हुई थी, टू आवर वुमेन, हमारी स्त्रियों के लिए ये सभी बातें खुली हुई थी। बट आवर सिविलाइजेशन, लेकिन हमारी सभ्यता बीकेम अरेस्टेड, यहां पर जो अरेस्ट हो गई अर्थात रुक गई या रोक दी गई। एंड वन ऑफ द मेन साइन, और एक जो मुख्य संकेत था ऑफ दैट माने इस डिके माने पतन का, ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता के पतन का, इस पतन का जो मुख्य संकेत वो जो है इस माने है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, अर्थात महिलाओं की पराधीनता। तो महिलाओं की पराधीनता ही हमारी इस सभ्यता का के पतन का जो मुख्य संकेत है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, थ्रू द एग्जर्शंस ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के एग्जर्शंस माने अथक प्रयास, महात्मा गांधी के अथक प्रयासों के कारण आजादी के बाद ए रिवॉल्यूशन, एक क्रांति हैज बीन अफेक्टेड, प्रभावित हुई, अर्थात एक क्रांति आई इन आवर कंट्री, हमारे देश में एक क्रांति आई। एंड वुमेन आर कमिंग, और उसके बाद से महिलाएं आर कमिंग माने आ रही हैं, इनटू देयर ओन, अपने पुराने रूप में आ रही हैं, अर्थात वो जागृत हो रही हैं। तो दोस्तों ये था सेकंड पार्ट। तो इस सेकंड पार्ट में हमने वुमेन्स एजुकेशन का जो शेष भाग था वो पढ़ा, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। तो यदि आपकी समझ में आता है तो कमेंट भी करें और शेयर भी करें, और अगली वीडियो में फिर एक नए चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।